क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक एस्टिमेट बनाते हैं, रिपेयरिंग सीनियर। ये ड्राइंग है उसकी, ये स्टोर रूम है 18 बाय 10 फीट। इसकी रूफ हमने चेंज करनी है, इसमें TR गार्डर यूज होंगे, तो इसमें हम फैब्रिकेशन का आइटम लेंगे। आइटम हम शेड्यूल से ही लेंगे, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो भी बना चुका हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम शेड्यूल ऑफ रेट कैलकुलेट वहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर नॉमिक्लेचर लिख देंगे, हम किस चीज़ का एस्टिमेट बनाना चाहते हैं। परफॉर्मे में सीरियल नंबर आ जाएगा, इसके साथ हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसको हम 6 कॉलम पे 3, 4, 5, 6 मर्ज कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमने डायमेंशन लिखनी होती है। आगे क्वांटिटी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा, रेट और अमाउंट, ये चीजें आ जाएंगी। बोल्ड कर देंगे, बॉर्डर लगा देते हैं, सेंटर कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी पेज सेटिंग कर देते हैं। कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा, इसमें हम ये क्वांटिटी का जो यूनिट में लाइन खत्म करेंगे। जी हमारा पहला आइटम आ गया, शेड्यूल ऑफ रेट में चले जाएंगे, क्योंकि हमने स्टील लेना है पहले, फैब्रिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील, ये आइटम होगी। आयरन वर्क में 25 चैप्टर है और पेज इसका 204 है। डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे, ये आइटम है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज कर देंगे, वार्प टेक्स्ट ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, विड्थ बढ़ाएंगे कॉलम की, तो आपके पास ये पूरा शो हो जाएगा। नीचे इसके, क्योंकि हमने ये TRN लेना है, उसकी डिटेल लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। TIR हमारे इस रूप में है, तो 6 इंच हम उसको ओवरलैप देंगे, तो ये 18 फीट की बजाय 19 हो जाएंगे, और 10 फीट हैं तो इसमें 8 TR यूज होंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर आएगा, फिर लेंथ आ जाएगी, विड्थ इसकी नहीं होगी। इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 152 RFT। इसपे हम यूनिट लगाना है, कंट्रोल 1 के साथ फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, नंबर में जाएंगे, कस्टूम में चले जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि 152 से पहले या बाद में अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो सेमी कॉलन लगा के RFT लगा के इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। अब ये हमें फार्मूले में अफेक्ट नहीं करेगा,
और ना ये सिर्फ शो होगा लेकिन फार्मूला इसे डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो 1.0662 केजी पर फिट इसका वेट है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आरएफटी में नहीं चाहिए, हमें केजी में चाहिए, तो कंट्रोल वन के साथ। अब हम यहाँ पे आरएफटी की बजाय केजी लिख देंगे, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। यूनिट हमने इसी के साथ लिख दिया है तो इसको डिलीट कर देते हैं, यूनिट की हमें जरूरत ही नहीं। ये हमारे पास इसका रेट है तो कॉपी कर लेंगे, ये पर 100 केजी का रेट है, पेस्ट कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिवाइड कर देंगे 100 से, हम चाहते हैं कि इससे पहले आरएस लिखा जाए, ओके कर देंगे। ये इससे पहले अमाउंट से पहले आरएस लिखा हुआ आ गया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा पहला आइटम पूरा हो गया, इसको बॉर्डर लगा देते हैं। तो मर्ज कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे, पर कर देते हैं। तो भी 14 कर देते हैं जी, सेव कर दें। ये हमारा पहला आइटम पूरा आ गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देंगे। ये दूसरा आइटम आ गया, इसमें हम सेकंड क्लास टाइल हम अपने शेड्यूल में आ जाते हैं। ये रूफिंग चैप्टर में 9th चैप्टर है, ये सेकंड आइटम है, हम इसको कॉपी करेंगे, वापस अपनी शीट पे आ जाएंगे। इस आइटम की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, ये मेरा आइटम आ गया, इसको भी क्लियर कर देंगे, ये रूफ है, इस पे रूफ लिख देंगे। वन नंबर आ जाएगा, लेंथ 19 आ जाएगी, विड्थ इसकी 10 फीट आ जाएगी। फार्मूला इसका चेंज करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 190 SFT आ जाएगा। RFT की जगह पे अब हमने SFT करना है, स्क्वायर फीट, ये SFT हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं, ये 190 केजी है, इसको एक्सेप्ट करना है। इस कॉलम में आएंगे, ये फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, वही फॉर्मेट उसने इसका कर दिया, लेकिन चूंकि इसमें लाइन ड्रॉ नहीं थी, इसने इसकी लाइन भी डिलीट कर दी। बॉर्डर में जाके लाइन लगा देते हैं इस पर, इसका फॉर्मेट भी हम इसी हिसाब से चेंज कर देते हैं, ये SFT में आ गया, इसका रेट हम चेंगे, ये कंपोजिट रेट आ गया, ये ले लेंगे, ये भी पर 100 SFT, चेंज कर देते हैं,
क्योंकि 100 SFT था, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें सेकंड क्लास टाइल में पॉलिथीन शीट नहीं ऐड हुई आइटम में, तो इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये 3 आइटम हो गया। इस शेड्यूल में आ जाते हैं और डायरेक्ट 215 पे चले जाते हैं। ये हमारी पॉलिथीन शीट आ गई, ये 500 गेज की, तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। साइज हमारा यही रह गया, तो ये 1810 है, 18 कंप्लीट रेट है पर एसएफटी, तो कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो ये पर एसएफटी है, इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर पैरापिट लगाना है, तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं या पेस्ट कर देंगे। आइटम नंबर 4 आ गया, शेड्यूल में जाते हैं, 53 पेज पे चले जाएंगे। ये पक्का ब्रिक वर्क का आइटम आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, इसको नीचे ले आते हैं। पैरापिट लिख देते हैं, ये 2 पैरापिट होंगे, 18 फीट बाय 0.75 यानी 9 इंच, और हाइट इसकी 1 फीट कर देते हैं। ये हमारा CFT में आ जाएगा। कंट्रोल 1 थे, अब हम यहाँ पे SFT को स्क्वायर फीट को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर से इसको भी कर देंगे और बॉर्डर दोबारा लगा देंगे। लेकिन ये लॉन्ग वॉल आ गई, हमें शॉर्ट वॉल भी चाहिए, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। 18 की बजाय 10 हो जाएगा। इसको पॉइंट में ले चलते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दे देंगे ये 1.5 रेशो है, इसको कॉपी कर देते हैं। ये जो कि 100 CFT था, ये हमारा रिपीट आ गया। ये हमने पैराफिट भी कर दिया, अब हमें इसको प्लस तक करना है, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 5 कर देते हैं, दोबारा शेड्यूल में चले जाते हैं। सीमेंट प्लस्टर का आइटम आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे, इसमें सबको प्लस कर देते हैं, ये 2 साइडें हो जाएंगी, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। 18 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 10, ये 56 हो गया। विड्थ इसकी आनी नहीं है, डैश लगा देते हैं, हाइट इसकी 1 फीट आ गई, मल्टीप्लाई करते हैं 2 45 56 1, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। ये हमारा टॉप आ गया, फ्रंट साइड आ गई 56 ही आ गया, इसकी जगह पे हम डैश लगाएंगे और इसकी जगह पे 0.75
लगाएंगे, क्योंकि ये 9 इंचेस का ये हमारा टोटल एसएफटी आ गया। तो ये एसएफटी भी ठीक है, ये सीएफटी फॉर्मेट से सीएफटी करेंगे और इसको फॉर्मेट सेल के एसएफटी में कर देते हैं। इसको उठाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ये हमारे पास रेट आ गया। बस इसको टोटल कर देंगे, ये हमारे टोटल अमाउंट आ गया। इसको बोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। राउंड फिगर कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ये टोटल वाले सारे इसको सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल बी के साथ बोर्ड की कमांड हम यूज करते हैं। लीजिए जी, हमारा एस्टिमेट फाइनल हो गया। पेज प्रीव्यू ले लें, पेज सेटिंग कर लेते हैं। सेटअप में चले जाएंगे, लेटर की जगह पर ये फोर करेंगे। पॉइंट 7 कर दें टॉप पे, 0.25 लेवल कर देते हैं, हॉरिजेंटल सेंटर ऑन पेज हॉरिजेंटल भी। ये आपका प्रिंट व्यू आ गया। जस्ट आप प्रिंट की कमांड यहां से देंगे और अपना प्रिंट ले लेंगे, सेव कर लेते हैं। जी तो ना दें, ये हमारा एस्टिमेट फाइनल हो गया। सेटिंग देख लेते हैं, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।